गोपी, बड़ा खुश लग रहा है, क्या बात है? आज ना मैं आधी छुट्टी लेके ना फिल्म देखने जा रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं, किसके साथ? वो जो अभी ताजी बताइए ना, पड़ोस ने मेरी सलोचना, उसके साथ। कौन सी फिल्म देखने जा रहा है? आजा सैया पकड़ ले भैया। क्या बात कर रहे हैं? अरे वो तो सुपर हिट फिल्म है, कल एक ही थिएटर में लगी और टिकट भी नहीं मिल रही, तुझे कहां से मिल गई? अरे भाई मैंने जुगाड़ कर लिया, 200 रुपए की 2 टिकटें मंगवा ली। एक मिनट रुक तू, ये ले 500 रुपए मुझे दे दे, 200 के टिकट 500 मिलेगा। ले यार, शाम को ऐश करेंगे। सॉरी सरोजना, फिर से कमिंग। ओके। कोकी। आज मौसम बहुत गर्म आया है, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? कोकी, मेरे साथ एक चिल्ड्रेंस फिल्म देखने चलोगी? बताओ तो क्या है फिल्म का नाम? आजा सैया पकड़ ले भैया। फिर पकड़ो मेरी भैया। चलो। ओ ला 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 ला। ए चंद्रमुखी, कहाँ जा रहे हैं? रोमियो प्लस जूलियट। मैडम ये मुझे ना चिल्ड्रन फिल्म देखने के लिए ले जा रहे हैं, आजा सैया पकड़ ले भैया। ओहो वेरी गुड, पर बात यो है ना कोकी कि यो जो चिल्ड्रंस फिल्म है ना, ये 30+ के चिल्ड्रंस के लिए, तो बाहर जो पिंटू है ना, ना वो थारा कीकली खेलने के लिए इंतजार कर रहा है, चल निकल। पिंटू के लिए ना छोरी ने बरगला रहा है, रैक चाइल्ड बुला स्टेशन का केस ठोक दूंगी मैं थारे पे। अरे मैडम मुझे क्या पता कौन सी फिल्म है, कैसी फिल्म है, क्या है? वो गोपी आया, उसने बोला ये 2 टिकट है, ले 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 जा देख ले पिक्चर, तो मैंने कहा ठीक है ले ले दे दे मैं चला जाता हूं। गोपी। हां जी जी। ना मैं सुन रही हूँ कि तू आजकल घड़ी नाटी नाटी फिल्मों की टिकट बांट रहा है। पर इसने टिकट तो मुझसे ली है जी गुलगुले ने। अरे नहीं, इसने कहा कि गिफ्ट है ले ले, तो मैंने ले ली मैडम। अरे ना वैसी चौकी की रेपुटेशन इतनी घनी अच्छी कर रखी है तुम लोगों ने कि कोई केस ना फंसता। अरे बाकी काम पे लगा, निकल यहां से। अरे आजा सैया धर ले बैया। गुड गुड वेरी गुड। अरे जाने मन, अगर तुम जैसी हसीना मेरी जिंदगी में आ जाओ तो मेरी जिंदगी का तो नक्शा ही बदल जाएगा। मक्खन सिंह। हाँ। क्या देख रहा है फोन में? MMS। मेरा तो है। हाँ, राइट राइट राइट, स्मार्ट गर्ल, अगर आपने सुना कि हम MMS देख रहे हैं तो जी हाँ, हम MMS ही देख रहे हैं, लेकिन धार्मिक नेचर की। हाँ भाई, सारी गतिविधियां देख के तो मन नहीं यही बह रहा है कि इस पूरे क्षेत्र में ना सबसे बड़ा धार्मिक तू ही है। यस। इब तुम्हारी बात सुन ना, हमारे साथ फिल्म देखने चल। मैंने आपको कितनी बारी प्यार से समझाकर और बेइज्जत कर करके बताया है कि हम आपके साथ पिक्चर देखने कभी नहीं जाएंगे। अरे यार, आप तो एक जीती जाती मूर्ति है अश्लीलता की, और आजकल की फिल्में इतनी सारी अश्लीलता भरी हुई है, हम नहीं जाएंगे आपके साथ पिक्चर देखने, नहीं जाएंगे। अरे बावड़ी पूछ, यो अश्लील पिक्चर कोई ना है, यो धार्मिक फिल्म है, मैंने 2 टिकट भी निकाल लिए, चल भाई। ओहो धार्मिक पिक्चर है? हाँ भाई, भगवान के लिए तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो ये बताइए कौन से सिनेमा घर में है? उफ उम्मा थिएटर। अरे यार वहाँ पे तो सिर्फ बरसती जवानी और भड़कते शोले टाइप की पिक्चरें चलती है ना। भाई तन्ने कैसे बेरा? अरे यार हम 24 घंटे तो वहीं पड़े रहते हैं। मेरा मतलब है कि 24 घंटे पहले हम वहाँ रेड मारने गए थे, हम फिसल पड़े और वहीं पे गिर के पड़े रहे, तो इसलिए हमें खुशी है कि हमारी सख्ती की वजह से थिएटर वालों ने वहाँ पे भक्ति की पिक्चरें लगाना शुरू कर दिया है। तो चल रंगीन कपड़े पहन के रेडी हो जा, साथ में मजे से जाएंगे। रंगीन कपड़े क्यों? फिल्म रंगीन है। ओ स्टूपिड आइडिया यार, हम रियलाइज नहीं कर रहे, हम अभी आते हैं, आप रुकिए, अब अभी आते हैं। मक्खर सिंह, यह कोई धार्मिक फिल्म ना है, यह तो है सैया धर ले भैया, और आज तो मैं थारी भैया धर के ही जाऊंगी। क्योंकि हम पुलिस वाले हैं, खून का बदला ना खून से लेते हैं, इसके लिए अपने नेल्स हमेशा क्लीन एंड क्लियर रखना, ऑल कलर एंड ऑल पेडिक्योर मैनिक्योर एंड ऑल। मेरे आदमी है इस मौसम में। मैं कौन से पाल घर का गेट खुला रखे, कौन तुम निकलो यहाँ से? ऊंची आवाज में बात मत करो, चलो पुलिस स्टेशन खाली करो। ए ब्यूटी पार्लर चलो, नेल पॉलिश घर पे जाके लगाओ, पुलिस स्टेशन खाली करो इस मौसम में। नहीं, जाग रहे हो या सोते हो, तुम हमें हमारे पुलिस स्टेशन से निकालने वाले कौन होते हो?
आई थिंक इज अ मैड मैन। बोलू भाकरी नाम है मेरा और ये पुलिस स्टेशन मैंने खरीद लिया है इस मौसम में। अबे पुलिस बिकती है ये तो पता है, अब क्या पुलिस स्टेशन भी बिक गया? दिल पे करार है, बाहर बुलडोजर तैयार है, जैसे मेरा इशारा हुआ ये पुलिस स्टेशन ढेर हो जाएगा इस मौसम में। अरे बावड़ी पूछ ना, मारा एक रेपता जो पड़ गया ना तो तू खड़े खड़े ढेर हो जाएगा ना, क्या पागलपंती लगा रखी है थाने में। इंस्पेक्टर जरा तमीज से बात कीजिए इस मौसम में। ना जब मैं अपनी तमीज पे आ गई ना तो थारी कमीज उतर जाएगी। हाँ मैडम, लेकिन ये तो हमारी वर्दी उतारने पे तुला हुआ है, कह रहा है ये पुलिस स्टेशन ही खरीद लिया है, मुझे तो कोई बेवकूफ लगता है। मेरा नाम भोलू भाकरी है और भोलू भाकरी को बेवकूफ बनाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। मैडम डॉन का डायलॉग है इसलिए कह रहा था, वो भी ऐसे नहीं बोलते, यूं बोलते डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं। बस गरीबों के अमिताभ बस, ले लीजिए मेरे पास इस प्रॉपर्टी के पेपर्स भी है। और ये प्रॉपर्टी मैंने 2 करोड़ रुपए में खरीदी है। मैडम मुझे नहीं पता था हमारी ये जगह 2 करोड़ की है। हाँ जी मैडम जी, वरना इसे हम कब का बेच चुके होते हैं। और क्या 2 करोड़ की प्रॉपर्टी, अरे 2 रुपए का इस टाइम पेपर पर बना रखे हैं ये कागज। क्या इसका मतलब? उसने मुझे बेवकूफ बनाया, मैडम उसे पकड़ लीजिए, उसके खिलाफ FIR लिखिए। ओहो, ना तो उस महापुरुष से मिलने के लिए मैं भी घनी उतावली हो रही हूँ, ना मैं भी तो देखूं मारी चौकी किसने बेच दी। बालको ना धर के ला साले ने। मैडम ये लीजिए, ले आया इसे। चलो मैडम। अरे बावड़ी पूछ ना तू हो रहा है हमारी चौकी का सौदागर है। मैडम मैडम इसने मुझे चौकी बेची है इस मौसम में। अरे कौन सी चौकी, किसे बेची और तू कौन है? अरे वाह रे वाह, 2 करोड़ डकार के मुझे भूल गया, तभी मैं तुझे याद था। कौन से 2 करोड़? अरे गणित के आचार्य, ना हमारे सामने ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत ना है। अरे तारी हिम्मत कैसे होगी मारी चौकी बेच देने की है? मैडम जी आपको गलत फहमी हो रही है, मुझे देखकर आपको लगता है कि मैं इस पूरी चौकी को बेचूंगा? अरे ना तो तू क्या बेचेगा, ना पुलिस हेडक्वार्टर ने बेच देगा तू। मैडम जरा इसकी आंखों में आंखें डालकर देखिए। व्हाट? अरे बेटा गुलगुले, ना मैं मक्खन सिंह की आंख के अलावा ना किसी और की आंखों में ना झांक सकती। ना इसकी आंखों में तो तू ही देख ले और बता दे क्या कह रही है। मैडम इसकी आंखें पुकार पुकार कर कह रही हैं कि हाँ हाँ मैं गुनहगार हूँ, मैंने चौकी बेची है, मुझे अरेस्ट कर लीजिए। अरे तो देर किस बात की हो रही है, ना इसके गले में टायर डाल के साले ने अंदर धर ले। तब तक जो चौकी में नया जिम बना है ना उसका मुआयना करके आ रही हूँ मैं, ना आज मक्खन सिंह और मैं फिल्म देखने जा रहे हैं भाई। चल बेटा अब तो तू अंदर चल। मैडम ये तो जबरदस्ती हो रही है जी। मिस्टर डाला हम पिक्चर के लिए आ गए, हम रेडी हैं। जोश ये क्या कर रही है? जोश गुरु ये पीछे पीछे क्या जोश जोश लगा रखा है? देखिए आप जोश में आके अपने होश में खोइए, निकाल दो इसको। जोश मैं तेरा गुरु गुरु ए, क्या गुरु गुरु लगा रखा है? अरे हम खुद गुरु घंटाल है, आप जैसा आदमी हमारा गुरु कैसा हो सकता है? विजन तुझे याद नहीं है जब हम तिहार में थे? अरे तिहार में? अरे नहीं इनका मतलब तिहार थोड़ी है, ये बिहार कह रहे हैं जब हम दोनों एक साथ बिहार में थे। एक मिनट हम दोनों, इसका मतलब आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? एग्जैक्टली वही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। हम समझाते हैं, अभी हमारे पास तस्वीर है, ये हमारा नहीं है, ये आपका है। थैंक यू। देखिए हमारे पास तस्वीर है जो साबित करेगी कि ये देखिए ये चेला मैं गुरु, देखिए चेला गुरु, चेला गुरु मक्खन सिंह। ना यो तो तू ही है इसके बाजू में, क्या कर रहा है तू? मैडम अगर ये सर के गुरु हैं मतलब सर इनके चेले, या अगर सर जी इसके चेले हैं तो सर जी भी इसके सारे अपराधों में शामिल हैं। मैडम कानून तो अंधा होता है लेकिन आज आप भी अंधी हो जाइए। मैडम मैडम मेरे कहने का मतलब था कि आप अंधी हो जाइए और अपने प्यार की कुर्बानी दे दीजिए। ओह। और शक की बिना पर सर को अरेस्ट कर लीजिए मैडम, क्योंकि अगर ये बेगुनाह हुए तो हम इनको छोड़ देंगे ना मैडम बाद में। अरे मन ने पूरी तरह यकीन तो ना हो रहा है पर तू मक्खन सिंह यू आर अंडर अरेस्ट। क्या?